क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब ठीक हो। सो ये वीडियो मैं एक्चुअली बाद में स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इस दिन की वीडियो आई डोंट नो हाउ डिलीटेड। सो मैंने बाद में चेक किया जब मैं एडिटिंग करने बैठा कि स्टार्टिंग की वीडियो है ही नहीं। सो इस दिन हमने बहुत इन्जॉय किया था। हम इस दिन पहले तो जैसे डेजर्ट में हमने बाइक चलाई, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी आपको अभी देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम गए कुलधारा विलेज, कुलधारा में भी हमने देखा काफ़ी। और उसके बाद हम गए थे वॉर मेमोरियल जैसलमेर के, तो और फिर लास्ट में हम पहुँचे थे जोधपुर। सो भी सारा आपको देखने को मिलेगा बिकॉज स्टार्टिंग की वीडियो नहीं है, तो इस बस मैं आपको जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता था। तो बस अभी स्टार्ट होगी कि हम अभी यहाँ से अपने जो टेंट्स हैं टेंट्स में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे आगे हम डेजर्ट के लिए। बस सभी देखना, इन्जॉय करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन दबा लो और तक सब मेरे साथ जुड़े रहो। सो करते हैं शुरू वीडियो। सो हम निकल चुके हैं अपने टेंट से, अभी थोड़ा सा हम जाएंगे आगे डेजर्ट की तरफ फोटोज क्लिक करा के फिर निकलेंगे कुलधारा। चलो, और ये भाई लोग हमारे ये भी साथ जा रहे हैं। सो अभी हम कर रहे हैं डेजर्ट में राइड। डेजर्ट में चला रहे हैं बाइक, मजा आ रहा है। सो फाइनली हम निकल चुके हैं कुलधारा के लिए। कुलधारा 2 किलोमीटर्स और ये देखें सारा खाली पड़ा, कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे व्हीकल्स बहुत कम है, कोई लोग दिखते नहीं दूर दूर तक, सारा सुनसान पड़ा होता है राजस्थान। और रोड बिल्कुल सीधी सीधी, तो पहुंच चुके हैं कुलधारा और रास्ते का कुछ पता नहीं प्रॉपरली कहां से है पूरा। ये रहा कुलधारा का रास्ता। सो फाइनली वी आर इन कुलधारा।
सो हम घूम रहे हैं कुलधारा के अंदर। यहाँ पास यहाँ पे शादियाँ होती है भूतों की। अच्छा, आज भी मेरे ख्याल से रात को 8 बजे मतलब कि यहाँ पे दावत है, यहाँ पे शादियाँ वगैरह है। क्या चल रहा है? टेंपल तो भी घूम रहे हैं हम कुलधारा में। कौन दूसरे घर दिखाने के? ये देखें सारा ऊपर से व्यू। नहीं, इसमें कोई चेंजेस यही नहीं, बिल्कुल खंडर पड़ा है। ऐसे ऐसे कैसे ही खड़े हैं क्या पत्थर? ऐसे कैसे ही पड़े, और जो गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको वापस थोड़ी ना ठीक करवा रहे हैं। अब ये गिरे हुए पड़े हैं, ये देखें। एक और बात, आप किसी भी पुराने गांव में जाकर देखोगे उसका ना तो कोई। गाइस, अब हम निकल चुके हैं कुलधारा से और वो सामने देखें बिल्डिंग से बनी है, क्या किला बना, क्या चीज़ है, बड़े मस्त बने हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं दूर से देखने में। आई थिंक शायद कोई रेस्टोरेंट वगैरह है या कोई होटल ऐसे कुछ। जैसे मैं 15 किलोमीटर्स। सो अभी हम पहुंच चुके हैं गड़ीसर लेक। ओ देखें जी लेक सामने। सो अब जा रहे हैं गड़ीसर लेक। ये देखें क्या सामान पड़े हैं यहाँ पे। सो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे गड़ीसर लेक, ये देखें। और अभी बोटिंग का प्लान बन रहा है, करेंगे बोटिंग यहाँ। और धूप बहुत तेज है, देखते हैं क्या प्लान है। सो अभी हम आए हैं लंच करने हमारे कैलाश भाई लेके आए हम यहाँ पे, देखते हैं यहाँ का क्या स्पेशल है। देखें खाना चल रहा है हमारा। खाना बहुत स्वाद है यहाँ पे। बस अभी खाना वाला खा के फिर निकलेंगे जोधपुर के लिए। उससे पहले बीच में जाएंगे जैसलमेर का म्यूजियम, वॉर म्यूजियम। सो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम जैसलमेर के, और यहाँ पे टेंट्स वगैरह डिस्प्ले करे हुए हैं एंड जो फाइटर जेट हैं ये देखें। ये इस साइड पे है पाकिस्तान के जो फाइटर जेट आ गया और उनका टैंकर आ गया, देखें। और जिसके सामने है इंडिया का, और वहाँ सामने आई थिंक शो चलता है।
सो अभी हम यहाँ जा रहे हैं, लोंगे वाला हॉल बना है, यहाँ पे म्यूजियम है शायद अंदर। ये देखें ये अंदर से ऐसा है, सभी फोटोज वहाँ लगी हुई हैं वॉर की। और ये यहाँ के मिसाइल सी है। ये देखिए यहाँ पे एक मूर्ति सी बना रखी है, तो ये एक वॉर का ऐसा डिस्प्ले करने के लिए सीन वो है। सो अभी हम निकल चुके हैं जोधपुर के लिए, और पीछे सनसेट हो रहा है, शायद आपको मिरर में दिख रहा हो, बहुत बढ़िया। आप बस जोधपुर पहुँचेंगे और करेंगे कल मस्ती वहाँ पे। अभी टाइम 5:45 हो रहे हैं। और ये शिव अपनी आरसी पे, ये देखो सनसेट हो रहा है। घूमने निकले यहाँ से। हिरण का, नीलगाय का ध्यान रखियो। अच्छा ये देखो अभी हम यहाँ रुके थे, तो सारे लोग जो हैं इकट्ठे हो गए बाइक देखने के लिए। ये सभी ठीक है जी? हाँ हाँ, राइडिंग के लिए हम अभी जैसलमेर से आ रहे हैं। जैसलमेर? हाँ। सो वेलकम टू द जोधपुर, फाइनली जोधपुर पहुंच चुके हैं। और मैप्स पे हमने अपने होटल की ट्रैकिंग लगा ली, होटल हमने ऑनलाइन बुक कर दिया था। और अभी दिखा रहा है ये 2.7 किलोमीटर्स, और काफ़ी बड़ा शहर है जोधपुर, मुझे नहीं पता इतना बड़ा होगा। जैसे मेरे सामने कंपेरेटिवली तो बहुत ज़्यादा बड़ा और वेल डेवलप्ड है। ओनली 2 किलोमीटर्स लेफ्ट। सो ये आ चुका है जोधपुर का रेलवे स्टेशन, बहुत बढ़िया बना है यार, क्या सही है। और यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट। आई लव सन सिटी लिखा हुआ है। सो हमारा होटल आ चुका है। सो गाइस वी फाइनली रीच्ड एट आवर होटल, और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा किया हमने। और आज कुलधारा विलेज गए थे, वो भी बहुत बढ़िया था, पर थोड़ा ऐसा वहाँ पर कुछ ये नहीं था कि हमें डर लग रहा हो कुछ, या बिकॉज काफ़ी जने थे साथ में, तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। और उससे पहले हमने जैसे कि सैम सैंड ड्यून्स में इंजॉय किया था, वहाँ बाइक चलाई थी सैंड में, तो वो भी बड़ा मज़ा किया हमने। सो बस ये वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं ऐसे किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।